अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन है, नादिया स्पेंट अ टोटल ऑफ, आगे ये मिक्स नंबर लिखा हुआ है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। मैं इसको रीड कर रहा हूँ इस तरीके से, 8 होल एंड 1/16। आप इसको डिफरेंट वे में भी रीड कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक पर्सन है नादिया, जिन्होंने टोटल 8 होल 1/16 आवर्स, इतने घंटे जो है स्पेंड किए हैं। कहाँ पे स्पेंड किए? ऑन कम्युनिटी सर्विस, किसी कम्युनिटी सर्विस के ऊपर। कब? लास्ट ईयर, आखिरी साल। अब कम्युनिटी सर्विस से क्या मुराद होता है, आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, या आप कह लें कुछ और लोगों के लिए, कुछ खास कम्युनिटी के लिए, कुछ उनकी वेलबींग के लिए काम करते हैं, उसी सर्विस को आप एक तरह का कम्युनिटी सर्विस बोलते हैं। तो आपको इस पहली स्टेटमेंट में ये बता दिया गया है कि नादिया ने टोटल इतना टाइम दिया है, इतना टाइम ऑवर्स में स्पेंड किया है कम्युनिटी सर्विस के ऊपर। आगे लिखा हुआ है, गिवन दैट हर विजिट टू द ओल्ड फोक्स होम मेड अप 4/7 ऑफ द टोटल टाइम ऑन कम्युनिटी सर्विस। अब इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। तो वो हमें बता रहे हैं कि नादिया ने इतना टाइम तो कम्युनिटी सर्विस पे दिया था, लेकिन अगर इसी टाइम का इतना हिस्सा निकाल लिया जाए, जो कि लिखा हुआ है 4/7 पार्ट, तो ये वो वाला टाइम आ जाएगा जो कि नादिया ने स्पेंड किया है ओल्ड फोक्स होम में। ओल्ड फोक्स होम का मतलब वो खास घर जो कि बुजुर्गों के लिए बने होते हैं, जहां पे बुजुर्ग रह रहे होते हैं, एल्डर पीपल रह रहे होते हैं, उन्हीं को हम जनरली ओल्ड फोक्स होम कह रहे होते हैं। तो यहां पर आपको उन्होंने ये चीज बता दी है कि अगर नादिया का उस टाइम का जो कि नादिया ने कम्युनिटी सर्विस पे स्पेंड किया हुआ है, इतना हिस्सा निकाल लिया जाए, 4/7 पार्ट निकाल लिया जाए, तो जो टाइम आपको मिलेगा वो टाइम होगा जो कि नादिया ने स्पेंड किया होगा ओल्ड फोक्स होम में। आगे लिखा हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग द ओल्ड फोक्स होम। तो यही टाइम आपको रिक्वायर्ड भी है कि आपसे वो कह रहे हैं कि बताएं वो टाइम कितना है जो कि नादिया ने स्पेंड किया है, कब? विजिटिंग ओल्ड फोक्स होम के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली यही टाइम आपको रिक्वायर्ड है। अब देखिए, उन्होंने इसी टाइम से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज बता दी है, बड़ी सिंपल सी है कि अगर आप इस टोटल टाइम का जो कि कम्युनिटी सर्विस पे नादिया ने स्पेंड किया है, इसका इतना हिस्सा निकाल लें, 4/7 पार्ट निकाल लें, तो आपको वो टाइम मिल जाएगा ऑटोमेटिकली जो कि ओल्ड फोक्स होम पे नादिया ने स्पेंड किया होगा। अब ये हिस्सा हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को भी समझे। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि एक नंबर है 50, और आपको कोई कहे कि 50 का ना आधा हिस्सा बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह कोई कहे कि 50 का हाफ पार्ट बताओ, तो आप क्या करोगे? आपको जहन में आएगा हाफ का मतलब होता है 1/2, तो आप 50 को और जितना हिस्सा आपको इसका चाहिए उतना इस चीज को और इसके हिस्से को, हाफ पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 1 times 2 हो जाएगा, 2 25 times 50 होता है, और 25 1 times क्या आ जाएगा, 25, तो आपको मिल जाएगा 25, और आप देख भी सकते हैं 50 का हाफ कितना होता है, एक तरह का 25। तो इस तरीके से आप किसी चीज में से कुछ हिस्सा निकाल रहे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके। अब यही सेम कंसेप्ट आपने यहाँ पे यूज करना है कि आपके पास टोटल टाइम गिवन है, आपने इस टोटल टाइम का इतना हिस्सा एक तरह का निकालना है, तो आप इस टोटल टाइम को और इस पार्ट को, इस हिस्से को, इस फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ओल्ड फोक्स होम पे नादिया ने जितना टाइम स्पेंड किया होगा वो मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे कि वो है अमाउंट ऑफ टाइम, ये आपको मेंशन करना जरूरी है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, आप कह लें अमाउंट ऑफ टाइम नादिया स्पेंट ऑन विजिटिंग ओल्ड फोक होम्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। अब हम कैसे निकालेंगे, उन्होंने हमें खुद ही बताया हुआ क्वेश्चन में, दोबारा से रिपीट कर दूं कि अगर आप इस टोटल टाइम का इतना हिस्सा निकाल लें तो वो वही टाइम बनता है जो कि नादिया को लगा है, या नादिया ने आप कह लें स्पेंड किया है कहां पर, विजिट करने में ओल्ड फोक्स होम को। तो आपने बस इस टाइम को और इस टाइम को मल्टीप्लाई करवा देना है बिल्कुल उसी कंसेप्ट के थ्रू जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम है 8 होल 1/16, और इसका कितना हिस्सा निकालना है, 4/7, इतना पार्ट निकालना है। इस फ्रैक्शन को आप इसके साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, जिस तरह यहाँ पर आपको समझाया था, तो आप इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास मिक्स नंबर लिखा हुआ है, तो मिक्स नंबर को आपको पहले जो है एक तरह का कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है,
तो 16 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो पहले आपने 16 को इस नंबर को बोलते हैं होल पार्ट, जो अलग से लिखा होता है, ये होल नंबर होता है। तो आपने इस डिनोमिनेटर को और इस होल पार्ट वाले नंबर को हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 128। और जो नंबर आपको आंसर मिले उसमें आपने प्लस करवा देना होता है ये ऊपर लिखा हुआ नंबर। ऊपर क्या लिखा हुआ, 1, तो आपको 128 आंसर मिला था, इसमें आप 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 129। तो ये जो फाइनल आंसर आता है, फाइनल वैल्यू आती है, इसी को आप यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 129। आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 4 भी वैसे ही, और नीचे जो 7 है वो भी वैसे का वैसे ही। अब आपने यहाँ पर देखना है कि क्या कोई कैंसिलेशन होती है, अगर होती है तो जरूर कर दें। जैसे अगर आप नोटिस करें यहाँ पे 4 और 16 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि 4 भी आप कह लें 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 16 भी आप कह लें 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 4 टाइम्स 16 होता है। तो ऊपर क्या बच गया, 129, नीचे क्या बच गया, 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, इधर ऊपर बच गया 1 क्योंकि 4 कैंसिल आउट हो चुका था, और नीचे बच गया 7। अब आप देखें क्या मजीद कोई कैंसिलेशन हो सकती है। तो 129 और 7 को तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर दे 1 के अलावा। तो और 1 और 4 तो वैसे ही आप फर्दर सॉल्व कर चुके हैं, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकते, तो फर्दर कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती। तो जब भी इस तरह दो फ्रैक्शन लिखी हो उनमें कोई कैंसिलेशन ना होती हो, तो जो ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है वो सामने वाले फ्रैक्शन के ऊपर वाले लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और नीचे लिखा हुआ नंबर सामने वाले फ्रैक्शन के नीचे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 129 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 129, और 4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। तो 4 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 28। जहां तक आपने कर लिया, अब ये आपका आंसर आ चुका है। ये एक तरह का टाइम है, और टाइम क्योंकि ऊपर भी आवर्स में था तो यहां पे भी आप आवर्स ही लिखेंगे। लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कोड किए होते हैं। तो आपने भी इस पूरे फ्रैक्शन को एक तरह का मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में आप कह लें कन्वर्ट कर लेना है। तो उसका तरीका क्या, तरीकाकार क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ 129 डिवाइडेड बाय 28, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 129 और इसको इस तरीके से मैन्युअली डिवाइड करेंगे 28 पर। अब आपको डिवीजन आती है, आपने सिंपल यहाँ पे डिवीजन ही करनी है, उसी से आपके पास हो जाएगा। अब 28 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 129 ही मिल जाए या 129 के पास पास मिल जाए। तो अगर आप देखेंगे कि 28 जो है 4 टाइम्स जो होता है ना वो आपको 112 मिलता है। अगर आप 28 को 5 से करके देखते हैं तो नंबर बड़ा आ जाता, 140 आ जाता, तो वो तो यूज नहीं कर सकते। तो 28 4 टाइम्स करूंगा तो मुझे मिलेगा 112, यानी 112। आगे आपको पता है माइनस करेंगे, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे और कोई भी डिजिट नहीं है जिसको नीचे उतारा जा सके। तो जब आगे कोई भी डिजिट ना हो जिसको नीचे उतारा जा सके, आपने यहीं पे प्रोसेस स्टॉप कर लेना है, यहीं से आपकी अब मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। अब आपने क्या करना होता है कि जो चीज पहले से डिनोमिनेटर में लिखी होती है और जो यहाँ पे भी बाहर लिखी होगी, इसको सबसे पहले लिखना है। इस तरह लाइन डालकर 28 आप पहले लिख देंगे। डिनोमिनेटर याद रखिएगा वैसे का वैसे ही रहता है। अब ये जो सबसे ऊपर लिखा होता है जिसको हम कोशेंट भी बोलते हैं, ये आपने एज अ होल पार्ट लिखना होता है। होल पार्ट का मतलब ये बिल्कुल अलग से यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो चीज बच जाती है जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं वो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर की जगह पे लिखी जाएगी, यानी 28 के ऊपर टॉप पे लिखी जाएगी इधर। तो बेसिकली आपने टाइम निकाल लिया जो कि नादिया ने स्पेंड किया था ओल्ड फोक्स होम पे, और वो है 4 होल 17/28 या 4 होल and 17/28, और ये भी ऑवर्स में है तो आप आगे लिख देंगे ऑवर्स। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।